तो सो बिग बॉस OTT लाइव फीड की बात करें तो एलवी यादव के डिक्टेटरशिप टास्क के बाद अब कैप्टनसी का टास्क होना है, और ये तो आपको पता ही है कि कैप्टनसी की दावेदारी से पूरा फुकरा और एलविस का ग्रुप ही बाहर है। जैसे कि फुकरा इंसान एलवी यादव, मनीषा रानी, जिया शंकर और आशिका भाटिया, ये सभी लोग कैप्टनसी की रेस से बाहर है। तो बचे हुए लोग कैप्टनसी में अपना टास्क करते हुए दिखाई दिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि इस टास्क का संचालक बना दिया गया अभिषेक मल्हान यानी कि फुकरा इंसान को। और जैसे ही बेबिका को पता चला कि भैया इंसान अब संचालक बन गए हैं, तो आपको पता ही है कि वो कितनी बड़ी चापलूस है, और पहुंच गई अभिषेक के पास चापलूसी करने के लिए कि हम अपनी पुरानी बातें भूल जाते हैं और नए सिरे से शुरुआत करते हैं, जिसके चलते तुम कैप्टनसी के टास्क में फेयर डिसीजन देना यानी कि तुम मेरा फेवर कर देना। पर दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि फुकरा इंसान कितना फुकरा यानी कि कितना मजाकिया है। तो भैया वो बेबिका को ऐसे कैसे छोड़ सकते थे। फुकरा इंसान समझ गया कि भैया ये चापलूसी करने के लिए आई है, तो फुकरा इंसान ने कहा कि चल यहीं पे पहले तो दंड फैटक निकाल के दिखा, पहले तो कान पकड़ के दंड बैठक निकाल, और मुझसे माफी मांगते हुए ये कहे कि बेबी का पागल है, उसमें दिमाग नहीं है। तो भैया बेबी का को यही बातें बोलनी पड़ी, और ये देखकर भैया अभिषेक मल्हान तो क्या उनके फैंस को भी अच्छा लगा होगा और उनके दिल को सुकून मिला होगा कि आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। बाकी दोस्तों टास्क के दौरान अभिषेक मल्हान और अविनाश सचदेव की तगड़ी फाइट भी देखने को मिली। बाकी दोस्तों आप बिग बॉस के घर में किस कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।